देखा मेरे को ये माइक दिख रहा था ऊपर से, तो मैंने ये उठा लिया, वो मेरे को दिखाई नहीं, तो अभी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैं तो छोटा था। हाँ, अब सब कुछ देख लिया, मैंने कुछ देखा भी नहीं है। ये डायलॉग आपको नहीं बता सकते, गाड़ी में बैठ के बताऊंगा। आओ चलो। ओ भाई क्या कर दिया ये। उसके अंदर फिर न्यूज पेपर। बाहर का मौसम एक नंबर, सबसे बढ़िया चीज बारिश नहीं हो रही। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एक नई शानदार बढ़िया सी वीडियो में। तो अभी का प्लान क्या है, आप सबको पता ही होगा जो रेगुलर व्लॉग देख रहे हैं, हम मुंबई आए हुए थे, लोनावला गए, महाबलेश्वर गए, वापसी मुंबई आए। कल की टिकट हमने करानी थी वापसी दिल्ली जाने की, लेकिन कल की नहीं करा रहे हम, करा रहे हैं आज रात की टिकट। कुछ अर्जेंट काम आ गया जिसकी वजह से कल की जगह हमने प्लान कर दिया आज का। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:00। गुड आफ्टरनून, सबसे अगर नमस्ते बड़ों को, प्यारी पर और छोटों को हेलो। तो होप करते हैं आप सब हमारी तरह बड़े होंगे, बड़े रहना। अभी यहाँ पर लंच करना है अपने को, 2-3 जगह घूमनी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, गेटवे ऑफ इंडिया, जूहू, जो जो कवर कर सकते हैं। एक अरे वो फ्रूट क्रीम किसकी थी जो मशहूर है यहाँ पर, यहीं पर है, मैं अगर वहाँ गया तो आपको दिखाऊंगा। इसको कुछ नहीं पता, ये मुंबई में रहते हैं, इसको कुछ नहीं पता। अरे सच्ची, वो तो स्ट्रॉबेरी शेक था ना, वो मतलब कुछ और था क्रश, लेकिन यहाँ पर एक फ्रूट क्रीम है बहुत बढ़िया। गुरु भाई एक यहाँ पर फ्रूट क्रीम है ना, वो किसकी है? अरे नहीं, हाँ हाजी अली, हाजी अली, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पर हाजी अली की फ्रूट क्रीम वो खानी है भाई आज अपने को। सनी भैया रेडी हो? भाई मैं सुबह 9:30 से रेडी बैठा हूँ, मेरी कोई सुन नहीं रहा, 2:30 बज गए, निकल रहा है। आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं तो रात सोया नहीं फिर। अगर तो 9:30 से रेडी हो, रात को सोए नहीं, कितने बजे सोते हुए मिले थे जब आप रूम में थे? नहीं आए थे, उठे 10:30 सुबह 5 बजे हम घर आए, 10:30 उठेंगे, 9:30 का रेडी था। तुमसे ज्यादा झूठा बंदा कोई नहीं है। हाँ भाई अब मेरे को इसे डर नहीं लगता, क्योंकि इसने एक बार मतलब वो थोड़ा डराया था मेरे को शुरुआत में। चलो बेबी वही। तो जाते जाते हमारे लिए यहाँ की स्पेशल कुल्फी, जो देखने में कुल्फी नहीं लग रही लेकिन है कुल्फी। कहाँ की है ये? यहीं की लोकल है। लोकल, ओके। चलो ईशु भाई, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। चलो भाई पापा रेडी? रेडी जी रेडी। मन लग गया था यहाँ? ओ तो पापा को अब 5-6 दिन कम लग रहे हैं। हैं, हफ्ता पास हो गया, पता ही नहीं लगा ना, एक हफ्ता हो गया मैं यहाँ रहते रहते हो, टाइम का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक दो दिन ही रह के वापसी जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी 2 ही दिन हुए थे आए हुए, कितनी जल्दी जा रहे हैं। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है ना, और अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिल्ली जाके हम इस बारिश को मिस करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और पिछले मतलब 2 दिन पहले जो 19 साल का रिकॉर्ड टूटा, 2 दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था, 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली गुड़गांव में, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि बारिश को हम मिस करेंगे, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है बारिश में चलाते हुए। दिल्ली में क्या होता है ना, मैंने पहले भी शायद वीडियो बताया था, दिल्ली पापा जो है ना पूरी बारिश में रुक जाती है, लेकिन मुंबई क्या चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। बाइक स्कूटर में लोग चलते नजर आएंगे नहीं। हाँ वो जा रही है, ये नहीं कि बस स्टॉप ढूंढ रहा है, छुप जाऊं, ये हो जाऊं। मतलब दिल्ली में क्या होता है, बस स्टॉप के नीचे घुस जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। यहाँ पर क्या सबके पास रेन सूट होता है, वैसे बंद हो दिल्ली में, लेकिन यहाँ पर क्या रेन सूट रखा है, फटाफट से निकाला पहना, चल पड़े अपने काम पे, रुकना नहीं है। वो सामने ट्रेन देख रहे हो, घरों के पीछे छुप गई है, ये यहाँ की लोकल ट्रेन है। यहाँ पर मोस्टली बंदा ना लोकल ट्रेन से सफ़र करना मतलब ज़्यादा बढ़िया समझता है, ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। अगर आपने मेरी पिछली मुंबई वाली वीडियो देखी ना, जो इससे पहले बार मैं आया था लोकल में घूमा था, वहाँ इतना रश, मुझे पता नहीं लगा मैं ट्रेन में चढ़ा कब और उतरा कब, ऐसा रश होता है। मैंने अलमारी के ऊपर ये कैमरा भी कैसे दिखा मेरे को, ये माइक दिख रहा था ऊपर से, तो मैंने ये उठा लिया, वो मेरे को दिखाई नहीं, तो अभी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, जो हमारा गोप्रो है वो वहीं पर रह गया घर पे ही, और हम करीबन 1 घंटा दूर मुंबई पहुंच चुके हैं। तो अभी हमने घर पे कॉल करा है वी फास्ट से, यहाँ पर कोई इनका जानकार है उसके वहाँ मंगा रहे हैं, एयरपोर्ट के पास ही है, वापसी जाते हुए एयरपोर्ट से उठा लेंगे। पहुंच जाएगा तब तक एयरपोर्ट से उठा लेंगे, उसकी दुकान से ही पहुंच जाएगा तब तक। तो ये जो लाइब्रेरी है ना, ये वही लाइब्रेरी, अगर आपने वो मुन्ना भाई MBBS देखा, बहुत सारी पिक्चरों में दिखाई हुई है, जिसमें वो अपने संजय दत्त भाई गांधी जी से मिलते हैं, मतलब ये यहीं का सारा सीन होता है। बहुत सारी मूवीज़ में लाइब्रेरी कवर होती है, मतलब जहाँ जहाँ से निकलते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने मूवीज़ में देखी होती हैं। ये लोग मेरे को, वैसे हम निकले तो ध्यान ना जाए, लेकिन ये लोग बताते हैं ना कि यहाँ पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ध्यान जाता है, हाँ यार ये तो देखी है। पिछली बार मैं आया था ना यहीं पर, इधर कॉर्नर पर गाड़ी लगा के हमने चाय पी थी रात को, तो ये हम पहुंच गए ताज, वो सामने गेटवे ऑफ इंडिया।
उस दिन तो पापा को रात को समुंदर दिखाया था, आज पापा झाक झाक के देख रहे हैं कि है क्या नीचे। कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। पानी गंदा कितना है? सोचो गहरा कितना होगा। गंदा तो है पानी। बता सकते हो कितना गहरा होगा पापा? और देखो वहाँ पर बोट्स खड़ी हुई हैं। ये चल रही है, वो देखो ना, वो बड़े वाले पापा शिप, वो जो वहाँ खड़े हैं, वो सामने गेटवे ऑफ इंडिया। पापा ये पीछे वो होटल देख रहे हो, ये ताज है। यहाँ पर हमला हुआ था 2012 में, होता 11 में होता, कब हुआ था? 11-12 में हुआ था। और अभी का सीन है ना, इसके अंदर कुछ रूम्स ऐसे हैं जहाँ पे गोलियों के निशान है, और वो रूम महंगे प्राइस में दिए जाते हैं। मतलब अगर आपको वहाँ रहना है किराए पे, मतलब वही, वो उसका जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है कि वो गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। हेलो, ऐसे कहते पी गए? हेलो, चीयर्स। अब यहाँ पर आए हैं और चाय की चुस्की ना हो ऐसा हो सकता है। मैं वैसे यहाँ पर रात को आया हूँ, एक ही बार ही आया हूँ, सलीम के साथ आया था, सलीम सत्या के साथ। तो यहाँ पर रात को बैठ के मौसम बड़ा ठंडा होता है, बिकॉज समुंदर है ना। अभी दिन में तो गर्मी है हल्की हल्की। तो अपने पास आज टाइम की थोड़ी कमी है और हमने टाइम ना बांट के चलना है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, आधा घंटे की होती है। पहले पिछली बार आए थे ना तब बंद थी, तब तो रात को आए थे, अभी हो रही है, लेकिन अपने वहाँ इतना टाइम नहीं है। पापा को बोला करनी, पापा क्या बोटिंग हमने चिड़ियाघर के वहाँ पर कितनी करी, याद है? नैनीताल चिड़ियाघर, लेकिन फर्क है, ये समुंदर है। नहीं, वहाँ तो छोटा था, अब सब कुछ देख लिया, मैंने कुछ देखा भी नहीं है। ये डायलॉग आपको नहीं बता सकते, गाड़ी में बैठ के बताऊंगा, आओ चलो। तो ये जो आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा ना, इसकी स्टोरी क्या है? वास्को डी गामा ने जब इंडिया को पहली बार डिस्कवर किया था ना, इंडिया के अंदर एंटर हुआ था 1497, ये ईयर हमने गूगल पे देखा है, 1497 में, तब ये इस गेट के अंदर से एंटर हुआ था, तब से इसका नाम पड़ गया गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर आके ना बहुत बढ़िया सा लगता है, मतलब सामने समुंदर दिख रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया है, सामने ताज होटल है। अभी हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव, फिर उसके बाद जाएंगे हम फ्रूट क्रीम खाने। एक चीज हमारी मिस हो गई, पापा वहाँ कह रहे थे, क्या बात बता रहे थे आप, कि मैंने क्या बोला था बचपन में कि आपने तो सब कुछ बोटिंग करने गए थे नैनीताल। नैनीताल नहीं, ये मेरे ख्याल से चिड़ियाघर के वहाँ की बात है, कि नैनीताल कहीं बोटिंग कर रहे थे। बोटिंग कर रहे थे, लेकिन पहले मेरी एज बता दो, मैं छोटा ही था। छोटा ही था, अभी दम लगे होते पानी में, तैरते होते हैं। किसके आगे, यहाँ तक ही जाना, उससे आगे नहीं जाना। हम आगे जी तो रोना शुरू कर दिया, पापा चलो पापा चलो, थोड़ी चलते हैं, नहीं आप सब कुछ देख ले, मैंने कुछ देखा भी नहीं है। पापा को मेरे डायलॉग मारा कि बोला आपने तो सब कुछ देख लिया, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं, 4-5 साल के, वापस चलो। आप कह रहे नहीं, मेरे को डरा रहे जान के, ड्रम के पार चलेंगे, ड्रम के पार। तो भाई साहब वो इन्होंने उसके बाद जो मेरा मजाक अभी तक उड़ता है ना, कि तूने तो अपने घर वाले को ऐसे कह दिया था कि आपने तो सब कुछ देख लिया, ऐसा नहीं था, आप भी क्यों डूबो, नहीं कोई भी ना डूबे, मतलब कहने का लेता कि कुछ देखा नहीं, अभी वापसी चलो। देख लो 5 साल का था तब मैं, तभी मेरा सोच था कि भाई यहाँ घूमना वहाँ घूमना, और घूम भी रहे और आपको भी घुमा ही रहे। आना ऊपर, आगे देखो तो पत्थर कैसे पड़े हैं यहाँ पर। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, फिसलन है। ये देखो, देख लो कैसे स्टाइल के पत्थर है। अभी सोचो ये बचपन से ही ऐसे हैं या ऐसे काट के डाले हैं, क्या पता भाई, ये बनाए होंगे ऐसे। गुरु भाई ये पत्थर बनाए हैं ना ऐसे जान के? ये तो बड़े साल पुराने हैं, ये इम्पोर्ट किए थे इंडिया के, नहीं स्पेशली यहाँ के लिए इम्पोर्ट किए थे। पता नहीं कहाँ से इम्पोर्ट किया था, बहुत साल पुराने। तो ये था यहाँ का मरीन ड्राइव, यहाँ पर रात को आके बहुत मज़ा आता है, दिन में भी आता है। चक्कर क्या होता है ना, समुंदर के यहाँ पर आओ तो दिन में गर्मी होती है, रात में मौसम अच्छा होता है, और पैदल यहाँ पर चलो रात को चाय की चुस्कियाँ भरो। भुट्टा वुट्टा भी मिलता है क्या यहाँ पर, जैसे वहाँ जुहू के वहाँ मिलता है, तो मिलता है रात को? ओके, और लोकेशन A1 है, यही है ना ट्राइडेंट होटल? ट्राइडेंट, ये ट्राइडेंट होटल है, जब वो ताज पे हमला हुआ था ना, साथ में इसी पे भी हुआ था, दोनों सेम टाइम पे हुआ था। तो एक हमने लिए चॉकलेट और 3 लिए मिक्स फ्रूट,
बिकॉज चॉकलेट मतलब इतनी पसंद नहीं है, पसंद लेकिन इतनी नहीं है। गुरु चॉकलेट खा रहे हैं, हम सारे मिक्स फ्रूट खा रहे हैं। 270 रुपीज का एक बाउल एक ही साइज आता है। ये हम निकलते हुए बहुत ही ज्यादा शानदार पुल के ऊपर से, इस पुल का नाम है बैंड्रा वर्ली सी लिंक, जो बैंड्रा और वर्ली को आपस में जोड़ता है। और पुल देखो भाई क्या ही चीज बनाई है। तो ये बड़ी बड़ी केबल्स देख रहे हो, पूरे का पूरा पुल इनके सहारे खड़ा हुआ है। तो बस मुंबई में खाली यही देखना रह गया था, बाकी तो आधा मुंबई हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ रह गया तो दोबारा आ जाएंगे। कौन सा दूर है, फ्लाइट ली, 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी 6:30 हो चुके हैं, अपना कैमरा उठाना है, 7:30 हो जाएंगे, 8 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, चेक इन वैक इन करेंगे, 10 बज जाएंगे, फ्लाइट में बैठेंगे, घर पहुँच जाएंगे 12 बजे तक, बस फिर वीडियो एंड कर देंगे। इतना ही है आज के लिए। तो आज के वीडियो के हम कमेंट्स पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया, और यहाँ आ चुका है हमारा कैमरा। सर आपकी अमानत, बहुत बहुत शुक्रिया। घर छोड़ आए थे, मिल गया और पूरा पैकिंग के साथ आया। इसकी दोबारा से अनबॉक्सिंग होगी मेरे ख्याल से। क्या सन्नी भी है, इतना बड़ा शरीर होके भी आपसे ये नहीं हो। देखो भाई दिखाई दिया ना आपने गुस्सा, बॉक्स ही फाड़ दिया बीच में से। ओहो अंदर न्यूज़पेपर, उसके अंदर डब्बा, मेरे को लग रहा न्यूज़पेपर के अंदर भी कोई चीज़। इतना बड़ा कैमरा है ही नहीं, खोलना जरा देखना। उसके अंदर सिर्फ न्यूज पेपर, कुछ ना निकले भाई। इसके फिर पन्नी कैमरा लो भाई, आ गई हमारी अमानत वापसी। दिल से थैंक्स है, मतलब इतनी तगड़ी पैकिंग आज तक अमेजोन फ्लिपकार्ट वो नहीं कर पाए जितनी आपने कर दी है। वो सामने गुरुद्वारा है, तो बहुत दिन हो गए गुरुद्वारे बाबा जी के दर्शन नहीं करे, तो जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं, सन्नी भैया जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। चलो आओ यार बाहर। भाई यही चीज तो देखने वाली है। पापा एयरपोर्ट देख रहे हो कितना सुंदर है। अच्छा अंकल जी, ओके बेटा, बहुत रुपया लगे थी आए, फिर आना जरूर। क्यों नहीं, फिर मिलेंगे। पापा एयरपोर्ट देख के मजा आया। मजे बेटा, है ना शानदार। तेरे साथ रहूंगा मजे लूंगा। कह रहे तेरे साथ रहूंगा तो मजे लूंगा, लेकिन एयरपोर्ट भाई एक नंबर है। मतलब अच्छे अच्छे पापा मॉल भी फेल है यहाँ पर भाई, इनकी सेल हो ना हो, किराया जा रहा है, मतलब किराया तो बहुत मोटा जाता है। पापा फोन में बिजी, सन्नी भैया फोन में बिजी, और मैं अपना वेट कर रहा हूँ चिकन रोल का। 3 चिकन रोल ऑर्डर करें, तीनों खा के जाएंगे। थोड़ी बहुत भूख लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही, यहाँ से खा के जाएंगे। अगर प्लेन में भूख लगी वहाँ पर दोबारा खा लेंगे। वैसे मेरा प्लान क्या है, मैं आराम से सोते सोते जाऊँगा, नींद आ रही है अपने को ज़बरदस्त, बिकॉज कल रात को 5 बजे सोया, सुबह पापा ने 9 बजे फिर उठा दिया। उठ जा, रेडी हो जा, घर से निकलेंगे तभी तो घूम पाएंगे। अभी थोड़ी बहुत नींद आ रही है, प्लेन में बैठ के देखेंगे क्या हिसाब किताब बैठता है। तो पापा को रोल में थोड़ी शिकायत है, कह रहे कि रोल ठीक ठीक था, क्यों मज़ा नहीं आया। सॉ KFC तो KFC है, फिर हमने तो बोला था। हमने तो हाँ जब लेने गए थे ना रोल, पापा को बोला भी था KFC से ले लो, कह रहे नहीं यहीं से खाऊंगा। मैंने कहा तू कहा वहाँ खड़े हो गए भाई यहीं खा लो। पापा याद है जा दुकान खड़े हो, जब गए हो तो खा लो। हाँ वही है, पापा कहते हैं जहाँ खड़े हो वहीं खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहले KFC चले जाते तो वहाँ खा लेते। फाइनली अपने को विंडो सीट मिल गई है, लेकिन हम रात को सफ़र कर रहे हैं, कुछ नज़र ही नहीं आना। सिर्फ लाइटें लाइटें नज़र आएंगी आपको। उड़ने को तैयार, उड़ने को तैयार, पकड़ के बैठना, छोटा प्लेन है, हिलेगा नहीं, बाहर बारिश भी हो रही है। जिंदगी रहेगी तो सब कर सही सलाह पहुँचेगी, जो रब ने लिखा है वही होगा, वही होगा। चलो थोड़ा तो फायदा हुआ विंडो सीट का, कुछ तो नजर आ रहा है, लाइट ही सही।
चीज देख रहे हैं, ऐसे लगता है दिवाली हो जैसे। अच्छा हाँ, वो लाइटें चल रही होती है ना, जगमग जगमग, सबने घर में लाइटें लगाई हुई हैं। लगती है ना, लगता है। आपको पता है एक प्लेन कितने की स्पीड से लैंड करता है? कितनी स्पीड से? 270। अच्छा, उससे कम कर ही नहीं सकता। ये नहीं है, ये नहीं है हमारी। काफी बच्चा जो दिन में हमें 20 बारी वीडियो कॉल करता था लेकिन कुछ नहीं बोलता था, ऐसा क्यों? आप बोलते हैं बताओ, अब तो बोल नहीं रहे आप। बात क्यों नहीं कर रहे, बात करनी है। अच्छा ये तो बता दो कितनी बारी फोन करते, कितनी बारी फोन करते थे ये तो बता दो। बताओ कितनी बार पापा को फोन करते, कितनी बार करते थे फोन? घर के बुद्धू लौट के आए, कड़ी जल्दी लॉक करें। यही सोचो कि एक दिन और रह लिया। अच्छा अभी पापा क्या कह रहे हैं कि बिस्तर से नींद आ रही है। मैंने इनको क्या बोला, यहाँ रात नहीं होती। आना बस में आपके होता है, सुलाना बस में हमारे होता है। अभी तो बाबा 1:30 बजे है, कम से कम यहाँ 4 बजे सोना होता है, यहाँ का असूल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे। पिक्चर दिखाएंगे आपको और फिर कल तो पार्टी है जीजू। कल क्या है? गाड़ी लेने जा रहे हैं। कल तो डिलीवरी है, कभी कभार हो जाता है एकदम से ध्यान आ गया तो अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ। बस पापा से एंड में पूछना चाहूंगा, भाई मजा आया ट्रिप पे? बहुत मजा आया। 6 दिन लगा के और पता नहीं लगा कि 6 दिन कैसे निकल गए। 7वां दिन है, मतलब 7 दिन हमें ऐसे लगा 2 दिन, मतलब इतनी जल्दी वापसी जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर दोबारा प्लान बनाएंगे जब पापा छुट्टी लेंगे। पापा यार 2-3 महीने में लेते हैं, मतलब 2-3 महीने भी नहीं, 1 साल बाद निकले अभी तो दोबारा जब पापा का प्लान बनेगा दोबारा पापा को लेके जाऊंगा। देखो मैं तो ये कहता हूँ जब आप छुट्टी लोगे मैं लेके जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन छुट्टी इनके ऊपर डिपेंड करती है कि हाँ किस हिसाब से लेनी है, कस्टमर भी नहीं टूटने चाहिए, बिकॉज दुकानदारी में ना बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। बाकी ठीक है, बातें बहुत हो गई, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। जिसको ये सीरीज अच्छी लगी हो, आने वाले टाइम में ऐसी सीरीज और लेके आते रहेंगे जैसे हम ट्रैवल सीरीज बनाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।